हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करें। बैटरी का मेंटेनेंस मतलब हम लोग फोर्कलिफ्ट में या कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी यूज करते हैं उसका मेंटेनेंस कैसे करें। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बैटरी क्या है। एक लाइन में आप ये समझ लीजिए कि बैटरी क्या है। कुछ लोग जानते हों, कुछ नहीं जानते हों, समझ लीजिए। बैटरी एक ऐसा चीज़ है जिसमें डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। मतलब डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो रहेगा उसको हम लोग इसमें जमा करके रख सकते हैं, वही एक बैटरी है। ठीक है, अब ये कहिएगा डीसी इलेक्ट्रिकल मतलब क्या हुआ, एसी मतलब क्या हुआ। तो एसी मतलब जो होता है घर में जो बिजली आती है, जिससे पंखा चलता है, टेलीविज़न चलता है, ट्यूबलाइट चलता है, या फिर कुछ भी आप लोग काम करते हैं, मोटर चलाते हैं, उसको एसी बोलते हैं। लेकिन बैटरी में एसी स्टोर नहीं कर सकते, जो डायरेक्ट आता है उसको स्टोर नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ डीसी स्टोर होगा। तो हम लोग जो चार्जर देखते हैं, बैटरी का चार्जर जो रहता है, बैटरी का चार्जर, फोर्कलिफ्ट के लिए चार्जर, फोर्कलिफ्ट के बैटरी का चार्जर, या फिर कोई भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी का चार्जर जो रहता है, वो एसी वाले एनर्जी से, एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डीसी में कन्वर्ट करता है, और प्लस उसको आपको जो जितना वोल्टेज बैटरी का है उतने वोल्टेज रेंज पे लाके उसको बैटरी को देता है, और फिर बैटरी उसको स्टोर करती है। आप समझ गए ना, बैटरी सिर्फ डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। अब हम बात करते हैं कि बैटरी यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब कोई भी ईवी हुआ, ई रिक्शा हुआ, फोर्कलिफ्ट हुआ, स्टिकर हुआ, बीओपीटी हुई, सारी जगहों पे बैटरी का प्रयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रिकल बेस्ड है। और दूसरा एक डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इसको इंजन को स्टार्ट करने के लिए। जब बंद है उसको स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर के थ्रू स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि इंजन को जो हम लोग सेल्फ बोलते हैं उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली हम लोग ने बात करना है कि बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करें। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि बैटरी में प्रॉब्लम क्या क्या होता है, तभी हम लोग इसका मेंटेनेंस के बारे में सोच पाएंगे कि मेंटेनेंस कैसे करें। तो बैटरी में बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम आते हैं। पहला प्रॉब्लम जो मैं बात करूँगा कि इसका टर्मिनल कभी कभी लूज हो जाता है, जहाँ पर बैटरी का हम लोग आउटपुट लेते हैं सप्लाई। तो उन टर्मिनल्स को रेगुलर हम लोग चेकअप करते रहें, और उसको रेगुलर समय समय पर हम लोग एक टाइट करते रहें कि लूज ना हो। यदि वो लूज हो गया तो वहाँ पे हीट होगा और धीरे धीरे वो टर्मिनल जल के ख़राब हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है इसमें कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेवल कभी कभी कम या ज़्यादा हो सकता है। कम हो जाता है तो उसको टॉपअप करना चाहिए, और ज़्यादा हो जाता है तो निकलना चाहिए। अब बोलेगा ज़्यादा कैसे हो जाता है, जितना भी उसमें पानी भरने का जगह उतना भरेंगे, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, बाहर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्त, उस बैटरी में एक लो लेवल होता है, एक हाई लेवल होता है। ये लो लेवल या हाई लेवल से के बीच में होना चाहिए आपको इलेक्ट्रोलाइट लेवल। इससे ऊपर हुआ तो प्रॉब्लम है, और नीचे हुआ तो प्रॉब्लम है। देखिएगा कि बैटरी का जो ढक्कन खोलिएगा, ट्रैक्शन बैटरी की बात कर रहा हूँ, फोर्कलिफ्ट वाली बैटरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको ढक्कन जब खोलेगा तो उसमें एक ढक्कन के अंदर जाली जो निकलेगा, उसमें आपको एक छोटा अलग से रहेगा और बड़ा अलग से रहेगा कट जैसा, तो उन दोनों के बीच में होना चाहिए लो लेवल हाई लेवल। ज़्यादा नहीं भरा होना, ज़्यादा भरने से बैटरी को खराबी होता है, कम भरने से बैटरी को खराबी होता है। ठीक है, और जो हम लोग ऑटोमोबाइल जो बैटरी आता है, जो डीजल फोर्कलिफ्ट में लगाते हैं, उसमें भी बैटरी के ऊपर ही मिनिमम मैक्सिमम लिखा रहता है। तो मिनिमम मैक्सिमम के बीच में हम लोग का बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन रखना चाहिए। तो ये दूसरा चीज़ हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लो लेवल या हाई लेवल आपको इलेक्ट्रोलाइट लेवल नहीं होना चाहिए। तीसरा एक और बात है, फोर्कलिफ्ट की बैटरी की बात मैं कर रहा हूँ अभी। यदि बैटरी का कनेक्टर खराब है, टूटा हुआ है, तो आपको जल्द से जल्द उसको चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो ये शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ गलत चीज़ों का कारण बन सकता है। ज़्यादातर केस में ये शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसको कभी भी बैटरी का कनेक्टर टूटा हुआ देखें तो आप फटाफट उसको चेंज कर दें। चौथा प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई कोई सेल खराब हो जाता है। कोई एक सेल, मान लीजिए कि जो 24 वोल्ट की बैटरी है और उसमें 12 सेल हैं, तो कोई एक सेल खराब हो जाता है, तो उसके केस में बैटरी का आउटपुट परफॉर्मेंस कम होने लगता है। तो हम लोग को वो फाइंड आउट करने के लिए पर सेल वोल्टेज चेक करेंगे, और उसके बाद उस सेल को रिप्लेस करवाएंगे, या फिर हम लोग यदि स्किल हैं तो हम लोग करेंगे उस सेल को रिप्लेस, तो फिर वो बैटरी परफेक्ट काम करने लगेगी। एक और प्रॉब्लम आता है कि बैटरी कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती है। बहुत ज़्यादा गर्म होने का मतलब ये होता है कि या तो बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपने बहुत तेज़ी से करंट लिया। उस बैटरी का कैपेसिटी यदि 200 एम्पियर पर घंटा के हिसाब से आउटपुट देने का है, और आपने 300 400 एम्पियर पर घंटा के आउटपुट से उसको लोड दिया है, तो फिर वो बैटरी गर्म होगी। दूसरा एक और रीज़न है बैटरी गर्म होने का कि यदि आपने चार्जिंग करंट, यदि उस बैटरी का कैपेसिटी है कि 50 एम्पियर आवर का स्पीड से वो बैटरी चार्जिंग ले सकता है,
तो आप उसको 100, 75, 90 एम्पियर के स्पीड से आपने उसको चार्जिंग दे दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इस चीज़ को इजीली समझिए, यदि किसी बैटरी को रिक्वायरमेंट है 50 एम्पियर के चार्जर से चार्ज करने की और आपने उस बैटरी को चार्ज कर दिया 100 एम्पियर के चार्जर से चार्ज, तो फिर उस केस में बैटरी हीट होएगी, तो आप ये चीज़ ना करें। एक और केस होता है बैटरी हीट होने का, बैटरी का इंटरनल प्लेट शॉर्ट हो जाता है कभी कभी कुछ केस में, तो फिर बैटरी बहुत ज़्यादा हीट होएगी। इंटरनल प्लेट शॉर्ट होने का मतलब ये है कि गाड़ी यदि ऑटोमोबाइल बैटरी या फिर ट्रैक्शन बैटरी जो फोक में लगी है चल रही है बहुत ज़्यादा से वाइब्रेशन हुआ, टूट गया प्लेट और एक दूसरे से टच हो गया, तो उस केस में वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बैटरी बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है। अब ये समझिए कि बैटरी हीट हो रही है तो हम कितना तक समझे, नॉर्मल भी बैटरी हीट होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हीट नहीं होती पानी की तरह ठंडा रहता है, ऐसा नहीं। नॉर्मल बैटरी हीट होती है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग का मतलब फोर्कलिफ्ट का चार्जर में साथ में लगा है और चार्ज हो रहा है तो वो उस समय हीट हो गया, और गाड़ी में लगा और गाड़ी चल रही है तो हो सकता है थोड़ा बहुत हीट होगी, लेकिन अब कितना हीट होगी ये हमें समझा देता हूँ। आप एक हाथ रखिए बैटरी के कंटेनर पे, बैटरी का कंटेनर पे आप 2 मिनट यदि हाथ रखे रह सकते हैं, इतनी गर्मी है कि आप 1 से 2 मिनट आप उस पर हाथ रखे रह सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, तो बैटरी नॉर्मल हीट है। लेकिन यदि आप बैटरी पे हाथ रखे और समझे कि 10 सेकंड 20 सेकंड से ज़्यादा आपका कैपेसिटी नहीं कि हाथ रखे, तो मतलब इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, यही ध्यान रखिए कि आप उस पर हाथ रख सकते हैं 1-1.5 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक की नहीं, वही आपको देखना है। 1 से 2 मिनट तक आप हाथ रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रख सकते तो बैटरी में प्रॉब्लम ओवर टेम्परेचर हो रहा है, या तो आपको चार्जर ओवर करेंट के कारण हो रहा है, या फिर आपने ज़्यादा लोड उस बैटरी पे दे दिया, या फिर आपका बैटरी का इंटरनल प्लेट शॉर्ट है, इस वजह से वो ज़्यादा गर्म हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप इस चीज़ को से बाहर आने के लिए आपको करना क्या है, या तो चार्जर वाला कंडीशन है तो आपको जो बैटरी का कैपेसिटी है उसके हिसाब से चार्जर लगाना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन में है कि या तो आपने फोर्कलिफ्ट में लगाया फिर बैटरी वो ज़्यादा गर्म हो रही थी, इसका मतलब फोर्कलिफ्ट कहीं ना कहीं ओवरलोड हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा क्यों ओवरलोड हो रहा है। कोई ओवरलोड होने का कंडीशन बहुत सारा हो सकता है, या तो उसका ड्राइव मोटर कहीं जाम हो, ब्रेक चिपक रहा हो तो ओवरलोड होगा, करंट ज़्यादा लगा, नहीं तो हाइड्रोलिक मोटर वाला फंक्शन में कुछ इशू हो तो आपको ओवरलोड होगा। तो ये सब कंडीशन में चेक करने के बाद आपको फिर इंटरनल प्लेट वाले बात पे आते हैं। इंटरनल प्लेट यदि शॉर्ट है तो फिर कैसे करें, तो आप चारों तरफ बैटरी के धीरे 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 करके हाथ लगाएं, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपको ज़्यादा गर्म फील होगा, तो मतलब समझिए कि वो वाली बैटरी का सेल खराब है, उस बैटरी का वो वाला सेल खराब है, तो आपको वो वाला रिप्लेस करना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ है, बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेटर से भी आप चेक कर सकते हैं लगा लगा के कि बैटरी का कौन सा सेल खराब है। बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेटर आपको बता देगा कि ये सेल खराब है, और मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो सारे वोल्टेज आपको बराबर दिखेंगे। एक और चीज़, बैटरी का सेल खराब है वो वाला टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर हो रहा है तो सेल खराब है, तो आपको देखने के लिए क्या करना है, बैटरी में जब भी उस सेल में पानी डालेंगे पानी खत्म हो जाएगा, पूरा गर्म के भाप बन के उड़ जाएगा, तो भी समझिए उस सेल में प्रॉब्लम है। एक और चीज़ है, जो सेल ज़्यादा गर्म होगा ना, यदि 10 दिन 15 दिन से लगातार गर्म हो रहा है 1 महीने, तो उससे वो वाला सेल का जो कवर है ऊपर का, उसका जो पूरा सरफेस होता है ऊपर का, वो लाल लाल जैसा हो जाएगा, पूरा लाल लाल जैसा हो, समझिए तो फिर समझिए कि वो सेल इंटरनली शॉर्ट है और ओवर टेम्परेचर होने के कारण वो ऐसा हो रहा है। तो ये सब सारे सिम्टम्स आप चेक करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरी बैटरी रिप्लेस करिए। मेरे हिसाब से सिर्फ वो सेल रिप्लेस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा और आपकी बैटरी चलने लगेगी। बैटरी के कंडीशन में एक और प्रॉब्लम कभी कभी आता है कि आप लोग बोलते हैं कि चार्जिंग नहीं ले रहा है बैटरी, तो ये कंडीशन में सिर्फ बैटरी का सिर्फ दोष नहीं होता है, बैटरी का कोई सेल खराब है तो आपको वो मल्टीमीटर से पर सेल वोल्टेज चेक करके निकाल के आपको उसमें बैटरी का सेल रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। दूसरा कंडीशन एक और होता है कि चार्जिंग नहीं लेने का, कि आपका चार्जर का जो वोल्टेज है ना वो परफेक्ट नहीं आउटपुट कर रहा है, यदि 48 वोल्ट का चार्जर है तो वो जितना रिक्वायरमेंट वोल्टेज का होता है आउटपुट उतना नहीं दे रहा है, तो आपको वो चार्जिंग पूरा नहीं लेगा बैटरी, तो उस कंडीशन में आपको चार्जर का आउटपुट करंट चेक करना पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा बैटरी के हिसाब से। हम चार्जर पे भी एक नया वीडियो बना देंगे कि कितने वोल्टेज कितने रखने हैं, क्या क्यों कौन सा डायोड यूज होता है, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, कितने का रहता है, वो आपको बता देंगे। चार्जर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व करें वो आपको हम एक अलग वीडियो में बना के बता देंगे। तो दो ही कंडीशन है चार्जिंग नहीं लेने का, या तो कोई सेल में प्रॉब्लम हो तो आप उसको चेक करके रिप्लेस कर दीजिए, या फिर चार्जर में प्रॉब्लम है कि चार्जर कम वोल्टेज आउटपुट दे रहा हो तो आपको उस चार्जर को ठीक करना पड़ेगा कि उसको वोल्टेज जितना चाहिए उतना देना है। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, और
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो कि आपका नॉलेज गेन करता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।